मी अनुप्रिया, एमव्हीटीव्हीच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये आपलं स्वागत. श्री गोवर्धन सार्वजनिक सेवा संस्था आयोजित नवी मुंबई उत्सव 2019 31 मे रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. निरागसहो गणपति सुर निरागसहो शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो निरागसहो गणपति सूर निरागसहो केवल इसके लिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं गा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं वैसे भी गाते रहता हूँ, यहाँ वहां तो गाते ही रहता हूँ, लेकिन होलसम जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टैलेंट को प्रमोट करेंगे, यंगस्टर्स को प्रमोट करेंगे, अंडर प्रिविलेज को प्रमोट करेंगे, बिकॉज आई थिंक अ वंडरफुल सिटी लाइक दिस डिजर्व्स अ प्रोग्राम लाइक दैट. उसको कल्चरली अपना अपना इंडिया का जो संस्कृति है दैट इज बेस्ड ऑन कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, डांस, दिस इज वेरी रिच इन आवर कंट्री, बहुत खुशी देती है लोगों को. तो ये ताई कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई रियली रियली थैंक हर फॉर दैट. नवी मुंबई कर, मुझे लोग पूछते हैं कि आप नवी मुंबई कर क्यों हो, आपका जो काम है वो तो रोज मैं जाता हूँ अंधेरी, या रोज जाता हूँ बैंड्रा, या रोज जाता हूँ टाउन जाता हूँ, वो साइड क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, ये पहला प्रश्न मुझे पूछते हैं. तो मैं एक ही कहता हूँ कि मुझे जब भी नवी मुंबई में मैं ब्रिज क्रॉस करके जब मैं आता हूं तो मुझे सचमुच लगता है कि मैं घर आया हूं. तो नवी मुंबई कर, आई एम गोइंग टू बी अ नवी मुंबई कर फॉर एवर, मैं कभी नवी मुंबई छोड़ने ही नहीं वाला हूं, क्योंकि मुझे इस शहर से, ये जो जगह है इससे प्यार है. और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं क्योंकि दिस इज अ वेल प्लान्ड सिटी, इमर्जिंग सिटी, वेल प्लान्ड सिटी, और इसमें पोटेंशियल इज ह्यूमंगस. इसका पोटेंशियल अभी देखिए, एयरपोर्ट आ रहा है, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप एज यू सी डेवलपमेंट हो रहा है. ताई ने जब मुझे इनविटेशन दिया और आके मिले और बोले कि हम लोग आपका सत्कार करना चाहते हैं, ये जो मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिला, तो मैं बहुत, मतलब आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो टच्ड कि इतने बड़े लोग मुझे अपने ही शहर में सम्मान दे रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं. मैं इस सम्मान का लायक हूँ, पहले तो मैं पद्मश्री लेने का लायक हूँ कि नहीं, क्योंकि पद्मश्री जो है वो कोई एक फिल्म का म्यूजिक देने के लिए वो अवार्ड नहीं है, वो कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है या स्क्रीन अवार्ड नहीं है,
ये आपने जिंदगी में जो काम किया है उसको देख के आपका कंट्रीब्यूशन, म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी ये मिला है, वही बहुत बड़ी चीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझ पर नवाजा है और उसके ऊपर आप लोग मुझे सम्मान कर रहे हो अपने ही शहर में, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया घूमते रहते हैं और एवरी डे वी आर इन अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, लेकिन नवी मुंबई में नॉर्मली इतने शोज कभी ज्यादा कुछ होते नहीं है। कभी कभी मतलब जो दुर्गा पूजा में होता है ऐसे कुछ होता है, मतलब कोई बड़े स्केल में शो होते नहीं। तो मैं थैंक यू वेरी मच ताई कि आपने ये नवी मुंबई महोत्सव में एक म्यूजिक प्रोग्राम रखा जिसमें मैं भी गा सकूं, अपने फैंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकूं। नॉट ओनली दैट, हम लोग चांस दे रहे हैं फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन टू परफॉर्म। आई थिंक जो बिगिनिंग गणेश वंदना है वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन ही कर रहे हैं, उसके बाद सो मेनी लोकल टैलेंट को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इस माध्यम के। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस ऑन दिस ग्रेट स्टेज। आई थैंक योर एसोसिएशन और मैं इसको बहुत वैल्यू करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि अपने ही मतलब आंगन में मुझे गाने का मौका मिल रहा है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मेरे ख्याल से इस लेवल का एक शो मेरा तो फर्स्ट टाइम हो रहा है अपने ही वाशी में। सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं आऊंगा, मैं गाऊंगा, आप सबको एंटरटेन करूंगा। जो जो गाना आपको पसंद है, हिंदी गाने होंगे, मराठी गाने होंगे, सुबोध भावे होंगे जो ताई का इंटरव्यू लेंगे, तो वी पुट अप लाइक अ होलसम वेरी एंटरटेनिंग प्रोग्राम। तो उम्मीद है आप लोग सब आएंगे, उसका मजा लेंगे, उसका प्रचार करेंगे एंड यू विल एंजॉय द शो। इट्स गोइंग टू बी अ गुड इवनिंग। आई जस्ट होप एंड प्रे। थैंक यू वेरी मच। ऋतु बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है, युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था थी अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति ऐसी प्रबल है, देश की रग में जैसे नया बल है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है।
केवल इसके लिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं गा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं वैसे भी गाते रहता हूँ, यहाँ वहां तो गाते ही रहता हूँ, लेकिन होलसम जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टैलेंट को प्रमोट करेंगे, यंगस्टर्स को प्रमोट करेंगे, अंडर प्रिविलेज को प्रमोट करेंगे, बिकॉज आई थिंक अ वंडरफुल सिटी लाइक दिस डिजर्व्स अ प्रोग्राम लाइक दैट। उसको कल्चरली अपना अपना इंडिया का जो संस्कृति है दैट इज बेस्ड ऑन कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, डांस, दिस इज वेरी रिच इन आवर कल्चर, बहुत खुशी देती है लोगों को। तो ये ताई कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, एंड रियली रियली थैंक यू फॉर दैट। नवी मुंबई उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम घेतला जाणार आहे, याच्यामध्ये पद्मश्री मिळालेले नवी मुंबईकर डॉक्टर पद्मश्री शंकर महादेवन यांचा कार्यक्रम आहे, त्याचबरोबर सुबोध भावे, त्याचप्रमाणे सोनाली कुलकर्णी आणि आपल्या नव्या मुंबईचे सगळे कलाकार हे त्याच्यात पार्टिसिपेट करणार आहे। एक संध्याकाळ ही सगळ्यांनी म्हणून आपण एखादी नेहमीच कामाच्या दगदगीतून एकत्रित होऊन ही गजाराबी आहे, माझी इच्छा होती अनेक वर्षापासून, एवढा मोठा इव्हेंट घेण्याची क्षमता नसताना सुद्धा हा मोठा इव्हेंट घेण्याचं आज प्रयत्न मी आपल्या माध्यमातून आणि जनतेच्या माध्यमातून केलेला आहे। पुन्हा कार्यक्रम पूर्ण फ्री 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 आहे, सगळ्यांनी एन्जॉय करा, डॅन्स करा, नाचा, गाणी गा, हे तुमच्या नवी मुंबई उत्सव म्हणून नाव दिलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज कांबळे, MVTV न्यूज। आजच्या स्पेशल रिपोर्ट मध्ये इतकंच, नमस्कार।